हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हमारे पास आया हुआ है शेविंग कटिंग मशीन ट्रिमर। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। हेयर कटर का कहना है कि ये नहीं चल रहा। देखते हैं इसको खोल के। ये कोई अलग ही तरीके का ट्रिमर है। चलो इसको खोल के देखता हूँ। इसको खोलने का तरीका आप देख लो। पहले इसका ब्लेड खोलेंगे। फिर खोलेंगे ये दोनों नट। ये देखते रहना दोस्तों कैसे खोलते हैं। कई बार खोलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये खोलेंगे, इसके बाद लेंगे चिमटी। चिमटी से इसको घुमाएंगे। ये खुल गया। इसमें थ्रेड है। निकालेंगे मोटर, पूरा पार्ट्स बाहर। पहले करेंगे इसकी मोटर चेक। मेरे पास एक पुराना सेल रखा है, एकदम सही है वैसे। इसे चेक करूंगा मोटर में। हमारी घूम रही है, मोटर सही है एकदम। फिर करेंगे इसकी बैटरी चेक। पहले इसके तार खोल लेंगे। वायर खोलते समय ध्यान रखें कौन सा तार किधर से खोला है। मैंने खोल दी है। देंगे एक वायर का टुकड़ा। इसकी बैटरी चेक करेंगे। बैटरी इसकी एकदम डेड है। हम लगाएंगे इसमें नई बैटरी। वायर हमने जैसे जैसे खोले तो वैसे ही लगा लेंगे। जैसे टांके हमने खोले थे वैसे इसके टांके लगा लेंगे। वीडियो देखते देखते लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो दोस्तों। दो वायर मैंने लगा लिए हैं। तीसरा वायर लगाएंगे मोटर में। इसमें से मैंने उतारा था, इसको वापस लगा दूंगा ऐसे। इसका बहुत फायदा है दोस्तों, इसको शॉर्ट नहीं होने देता। लगाऊंगा मोटर का वायर। ऊपर की कैप डाल दूंगा इसी में वापिस। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। देखूँ इसको मैं चालू करके। ये लो दोस्तों, ट्रिमर मेरा चालू है। लगाऊंगा इसके पूरे पार्ट्स। जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे लगाते जाएंगे।
ये अलग ही तरीके का ट्रिमर है, मैंने भी पहली बार देखा है। इस पे कोई कंपनी नहीं लिखी हुई, कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, इसे देखने में अच्छा लग रहा है, काम भी अच्छा ही करता होगा। उसके बाद लेंगे स्प्रिंग, खोलते समय दोस्तों ध्यान रखें कौन सा वायर, ये कौन सा स्प्रिंग कहाँ से खोला है, वैसे ही लगाएंगे हम। पेच बढ़िया से कस लेंगे, इसको लाएंगे इसको ऊपर का कटर, इस स्प्रिंग इसके ऊपर रख देंगे। दूसरी साइड का भी ये लो दोस्तों, ये एकदम फिट बैठ गया है, काम कर रहा है बढ़िया, एकदम मस्त काम कर रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद इसको चार्ज भी लगा के देख लें, चार्जिंग भी सही लग रहा है, एकदम ओके है, रेड बटन।